प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। और डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर को प्रभावित करें। जैसे कि मत्ती की पुस्तक का अध्याय 16 की 15-16 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमेशा प्रभावित करें। प्रभावित करने का मतलब परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना। लेकिन आप परमेश्वर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? आप परमेश्वर को अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने बीज के द्वारा, प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर को प्रभावित करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए अपने दिल को खोल देगा। फिर आप परमेश्वर से वह आशीष को पाएंगे जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरह जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तब उन्होंने कहा कि कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। तब पतरस ने परमेश्वर को प्रभावित कर दिया। फिर परमेश्वर ने पतरस को कहा कि मैं कलीसिया को तुझ पर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। इसलिए आप नहीं जानते कि जब आप परमेश्वर को प्रभावित करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए क्या कर देंगे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में जक्कई के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि जक्कई नाटा था, वह चुंगी लेने वालों का प्रधान था। जब जक्कई को मालूम हुआ कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाने वाले हैं, तब जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। जब जक्कई गूलर के पेड़ पर चढ़ा, उसने परमेश्वर को प्रभावित कर दिया, क्योंकि परमेश्वर हैरान थे कि इतना बड़ा आदमी के पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। तब परमेश्वर ने कहा कि जक्कई नीचे आ, आज मैं तेरे घर में जाऊँगा। और फिर यीशु मसीह जब जक्कई के घर में गए, तब उसने बोला कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ और जो कुछ गलती से लोगों से लिया है उसे चार गुना वापस देता हूँ। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि अब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। जक्कई और उसके घराने को पाने का कारण सिर्फ यह ही था कि जक्कई ने परमेश्वर को प्रभावित कर दिया था। याद रखें, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को प्रभावित करें, खुश करें, क्योंकि शैतान जानता है कि जब आप परमेश्वर को प्रभावित कर देंगे, तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करेगा। इसलिए आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपना ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि शैतान की बातों की तरफ लगाते हैं। इसलिए वह लोग आशीषित नहीं हो पाते। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने कामों के द्वारा, आत्मिक रीति के द्वारा चलकर, अपने बीज के द्वारा प्रभावित करें, खुश करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके, क्योंकि परमेश्वर को प्रभावित करने में ही हमारी आशीष छिपी होती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आज से ही अच्छे कामों को करूँगा और आपकी प्रभावित करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे। आप सब ब्लेस हो। जीसस नेम, आमेन।